हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी बी एस ई क्लासेस बाई गोस्वामी ईश्वर चंद्र। आज की सेगमेंट में हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। यह क्लास टेंथ के टेक्स्ट बुक से सी बी एस ई से लिया गया है। यह पोएम अ टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले जानते हैं ये पोएम किसके बारे में है, उसके बाद हम लोग वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और टाइगर इन द जू, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बाघ जो कि एक नेचुरल हैबिटेट में रहता है, और जब इसको आर्टिफिशियल हैबिटेट मतलब जू में लेकर आया जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतता है, इन दोनों चीज़ों को, दोनों परिस्थितियों को कंट्रास्टिंग ढंग से इसमें दिखाया गया है। मतलब दोनों परिस्थितियों का की जो विषमता है या अंतर विरोध है, उन दोनों परिस्थितियों के अंतर विरोध को इसमें दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखता है दिस पोएम, पहले अ टाइगर इन द जू के ऊपर जो लिखा हुआ है, दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यहाँ जो वर्ड का मीनिंग है पहले नोट कर लीजिए। कंट्रास्ट का मतलब होता है अंतर विरोध करना या अंतर पैदा करना या विषमता पैदा करना। उसके बाद नेचुरल हैबिटेट मतलब प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक मतलब जो मानव निर्मित नहीं हो, जैसे जंगल हो गए। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल, मतलब जू से जंगल की ओर। जू जो है ये आर्टिफिशियल हैबिटेट है, मैन मेड हैबिटेट है जानवरों का, और जंगल नेचुरल हैबिटेट है। एंड बैक अगेन टू द जू, रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। अब पढ़ते हैं इसको, समझते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। मतलब यह पोएम जो है एक बाघ का उसके जू में मतलब नेचुरल हैबिटेट में, और जू मतलब कृत्रिम हैबिटेट, आर्टिफिशियल हैबिटेट जो मानव निर्मित है, और प्राकृतिक आवास जो नेचुरल हैबिटेट है, दोनों के बीच के विषमता को दिखाता है या उसके अंतर विरोध को दर्शाता है। द पोएम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल, या पोएम सबसे पहले जू की और फिर जू से जंगल की ओर जाता है, एंड बैक अगेन टू द जू और फिर जू तक आ जाता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार इसको चुपचाप आप पढ़ें। एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताइए कि कौन सा स्टेंजा एक बाघ के जू में जो रहता है उसकी पर उन परिस्थितियों को बताता है। एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा बाघ के जंगल में होने की बात को बताता है। तो ये स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। लिखता है पहला स्टेंजा जो है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। सबसे पहले हम लोग इसके राइमिंग स्कीम्स को समझते हैं। पहला है स्ट्राइप्स को अगर हम लोग ए लें तो केज हो जाएगा बी, तो ए स्ट्राइप्स ए हो गया, केज बी हो गया, क्वाइट स्ट्राइप से कहीं भी ये मिल नहीं रहा है। मतलब ये राइम्स नहीं है, स्ट्राइप्स का क्वाइट राइम्स नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सी ही रखेंगे। तो ए बी सी और रेज यहाँ फिर केज जैसा है तो बी हो गया। तो राइमिंग स्कीम यू कैन राइट ए बी सी बी, ये राइमिंग स्कीम है। अब इसके वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। स्टॉक्स का मतलब होता है स्टॉक्स, ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब वॉक या चलना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड, विविड का मतलब होता है ब्राइट या सुस्पष्ट या आसानी से दिख जाने वाला। स्ट्राइप्स का मतलब होता है पट्टी, बाघ के शरीर के ऊपर जो पट्टियाँ होती है, धारियाँ होती हैं, उसके लिए स्ट्राइप्स लगा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, स्टेप्स मतलब कदम, केज मीन्स पिंजरा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेट, पैड्स का मतलब होता है यहाँ गद्दा, अब वेलवेट का मतलब मखमली, क्वेट का मतलब शांत। इन हिज क्वाइट रेज मतलब अपने शांत गुस्से में, क्वाइट रेज यहाँ दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, जैसे बोथ ऑफ द वर्ड्स आर कंट्राडिक्टिंग ईच अदर, क्वाइट एंड रेज बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी यूज टूगेदर। लेकिन यहाँ एक ऑक्सीमोरन का यूज़ किया गया कि दो विरोधी चीज़ों को एक साथ जब यूज करते हैं, तो जैसे साइलेंट थंडर, तो साइलेंट और थंडर बोथ ऑफ देम आर हैविंग डिफरेंट सेंस, दे कैंट बी यूज टुगेदर। बट ऑक्सीमोरन एक ऐसा होता है जिसमें हम दो ऐसे चीज़ों को जो विपरीत हो उनको एक साथ
प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गुस्सा, शांत गुस्सा का मतलब हो गया कि एक ऐसा गुस्सा जिसको प्रकट नहीं किया जा रहा हो, लेकिन आदमी गुस्सा में हो, वही बात यहाँ दिखाई गई। तो लिखता है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, मतलब वह अपने चमकदार धारियों में टहलता है या चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यहाँ ही जो है पर्सनिफाई किया गया है बाह के लिए, ही बाह के लिए आया तो पर्सनिफिकेशन भी है इसमें, ही ऑक्सीमोरोन है क्वाइट रेज के रूप में। तो फिर देखिए इसको, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो अपनी चमकदार धारियों के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब जो गद्देदार मखमली पैड्स है, गद्दा है, उस पर वो शांत होकर चलता है। इन हिज क्वाइट रेस, मतलब ऐसा शांत का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर गुस्सा नहीं है, उसके अंदर गुस्सा है लेकिन ये गुस्सा शांत है, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी केप्ट इन अ केज। द केस इज वेयर, इट इज़ इन द जू, ये जू में है इसलिए शांत गुस्से में वो चल रहा है। अगला आप स्टेंजा देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग का मतलब होता है छिपना, छिप जाना। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ये पहला स्टेंजा जो था ये आपको एक बाघ का जू में मतलब पिंजरे में है उस परिस्थिति को दिखा रहा है। अब दूसरा स्टेंजा है, इसको भी आप देखिए, ये किस सिचुएशन को दिखा रहा है, ये पिंजरे की बात दिखा रहा है या जंगल की बात दिखा रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन इन शैडो, मतलब छाया में उसे छिपा हुआ होना चाहिए। तो कहाँ छिपेगा भाई, तो जंगल में ही छिपेगा ना, इसलिए कह रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब उसे छाया में छिपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, मतलब लंबे घासों के ऊपर फिसल रहा होना चाहिए, फिसल रहा होना चाहिए मतलब दौड़ रहा होना चाहिए। नियर द वाटर होल, मतलब जहाँ पानी के पूल हैं, जलाशय हैं, वहाँ उसके नज़दीक घासों के ऊपर फिसलना चाहिए या छाया में छिपा हुआ होना चाहिए। वेयर प्लम डियर पास, प्लम का मतलब यहाँ होता मोटा ताज़ा, डियर मतलब हिरण, पास मतलब गुजरना, मतलब ऐसे वाटर पूल के पास जहाँ मोटा ताज़ा हिरण गुजरता हो, वहाँ इसको घास के ऊपर सरकना चाहिए और वहीं शेडो में मतलब छाया में इसको छिपा हुआ होना चाहिए। इट मीन्स दिस स्टेंजा इज डिपिक्टिंग द टाइगर शुड बी इन अ जंगल एट इन दिस सिचुएशंस, इस सिचुएशंस में जो दिखाया जा रहा है इसमें टाइगर को जंगल में होना चाहिए। आगे है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, अब ये स्टेंजा भी बताते, स्नार्लिंग का मतलब गुर्राना। पहले हम लोग वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। स्नार्ल का मतलब होता है गुर्राना। अराउंड हाउसेज मतलब घर के चारों ओर। एट द जंगल्स एज, एज का मतलब किनारा, जंगल मीन्स तो पता है। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, बेरिंग का मतलब होता है नंगा करना या निकालना, मतलब यहाँ दांत दिखाना के सेंस में, व्हाइट, व्हाइट का मतलब उजला और फैंग्स का मतलब दांत। हिज क्लॉज, क्लॉज का मतलब वही पाव। टेराइजिंग द विलेज, टेराइजिंग का मतलब डराना, द विलेज मतलब गांव, गांव के लोगों को डराना या गांव को डराना। फिर इसको देखते हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, मतलब घरों के चारों ओर। एट द जंगल्स एज, मतलब जंगल के किनारे जो घर हैं या जंगल के ख़त्म होने पर जंगल के आसपास के जो घर हैं उसके चारों ओर उसको गुर्राना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, मतलब अपने उजले दांतों को निकालकर, अपने क्लॉज को मतलब अपने पंजे को बढ़ाकर। टेराइजिंग द विलेज, गांव को डराना चाहिए। बट, अब अगला स्टेंजा, बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब वह जो ईंट पत्थर और छड़ का बना हुआ कॉन्क्रीट होता है, जो कि सीमेंट से पत्थर और छड़ से जो ढलाई किया जाता है वो कंक्रीट सेल है। सेल का मतलब एक कक्ष है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लॉक का मतलब वो लॉक्ड है या इसको किसी चीज़ में बंद किया गया है। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। बिहाइंड द बार्स, मतलब उस आयरन बार्स या उसका जो केज है, पिंजरा है, उसके पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर, इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना, विजिटर मतलब दर्शक। तो फिर इसको देख लेते हैं, फिर क्या कहता है, कहता है कि बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वह तो एक कॉन्क्रीट के कक्ष में या जेल में बंद है। इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत उन बार्स के या जो सलाखें उसके पीछे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने
लेंथ का जो केज है उसी में इधर उधर करता है या टहलता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और दर्शकों की उपेक्षा करता है। मतलब दर्शकों को जो आते हैं उसको देखने के लिए उनको इग्नोर करते हुए, उनकी उपेक्षा करते हुए, उनको ध्यान में नहीं रखते हुए इधर उधर उसमें टहलता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, मतलब रात में वह अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, ये अंतिम आवाज़ किसकी होती है, तो पेट्रोलिंग करने वाले कारों की। पेट्रोल कौन करता है, पेट्रोलिंग का मतलब होता है पहरा देना, तो पहरेदार जो कार से जो घूमते हैं रात में उनके आवाज़ को अंतिम, उनको अंतिम रूप में सुनता है। मतलब ये उसकी ऐसी आवाज़ है जो सबसे अंत में उसको सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर का मतलब होता है घूरना या एक टक देखना, और अपने इन चमकदार ब्राइट आँखों से किनको देखता है, एट द ब्यूटी ब्रिलियंट स्टार्स, उस चमकदार या चमकीले तारों को रात में देखता है। मतलब ये लास्ट जो स्टेंजा है ये डिपिक्ट करता है द कि बाघ बीवस है, वो चाह कर के भी नहीं निकल सकता है, और रात में बस उसे केवल पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनाई देती है, और पूरी रात अपने उन ब्रिलियंट आँखों से ब्रिलियंट तारों को देखता रहता है। दिस वॉज ऑल स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल, एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज क्लिप। थैंक्स अ लॉट।